तो यार मैं देख रहा हूँ कि YouTube में काफ़ी ज़्यादा बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि सर हमको नोट्स दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए ताकि हम लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। तो यार मैं ये आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग के पास अगर बुक हो तो आप लोग बुक से भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसमें से एक झंझट तो ख़त्म ही हो जाएगा आप लोगों के, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जब आप लोग 3 यूनिट अच्छे तरीके से पढ़ ही लेंगे तो आप लोग के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन वगैरह जो मांगते हैं तो उससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन हाँ, आखिर बहुत से बच्चे ये हैं कि अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर ही नहीं पा रहे हैं और उनको टाइम बहुत कम है उनके पास, तो सोच रहे हैं कि सर कुछ दे दीजिए हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह ताकि हम लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। तो यार उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आज BSc कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर वालों के लिए, जिसमें आप लोगों को मैं फंडामेंटल और साथ में आप लोगों को कंप्यूटर सी का नोट्स दे रहा हूँ, दोनों की एक ही PDF में मिल जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ, इनमें से ये भी बोल दे रहा हूँ यार कि आप लोग हो सके तो बुक का यूज करिए, बुक में आप लोग को जो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए ताकि आप लोग को नेक्स्ट सेकेंड ईयर में जाने में आपको कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि आप लोग जो सोच रहे होंगे कि बहुत हार्ड पेपर आएगा, कुछ नहीं, तो जो बच्चे लोग अच्छी तरीके से फंडामेंटल की तैयारी किए होंगे, यानी कि हो सकता है जो बच्चे DCA या फिर कंप्यूटर के बारे में जिनके बेसिक नॉलेज होंगे तो अच्छे तरीके से वो निकाल लेंगे। क्योंकि कंप्यूटर में आप लोग कुछ ज़्यादा पूछा गया नहीं है, इसमें आपके रैम के बारे में पूछा जाता है, कंट्रोल यूनिट और उसके बाद CPU वगैरह, MS Word, ये सब के बारे में हमारा फंडामेंटल पूछा जाता था। अब उसके बाद जो हमारा कंप्यूटर साइंस का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आता है उसमें आपको कुछ नहीं, आपको कुछ है, आपको प्रोग्रामिंग के बारे में स्ट्रक्चर वगैरह समझ के जाना पड़ेगा ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं अपने नोट्स के बारे में, तो इसमें भी कुछ बात ध्यान कर रख लेना है कि देखो यार, मैं प्रिंट जो कराया हूँ PDF करवाते समय, तो देखो इनमें बहुत से क्वेश्चन वगैरह जो ताकि इस टाइप में आ रहे हैं, शो हो रहा कि शो ही नहीं हो रहे हैं। तो आप कुछ को एक काम करिए कि आप लोग सबसे ज़्यादा आपको इस PDF के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको गूगल का यूज करना पड़ेगा। गूगल में ये क्योंकि इसमें पूरे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह का, आप इसको पढ़ के भी जाते हैं तो आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। लेकिन ये दिक्कत है कि इसमें थोड़ा इस वगैरह का प्रिंट वगैरह नहीं आया है। तो आप लोग क्या करें कि आप कंप्यूटर का जो गूगल में होंगे तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट आप इतना ही डाल देंगे तो आपका पूरा आ जाएगा। तो ये आपका हुआ क्या, आपका क्वेश्चन हो गया। साथ में आपको ये भी बता दे रहा हूँ आप लोगों की, आप लोग एक बार सिलेबस ज़रूर मिला लेना कि हमारा का सिलेबस में ये सब सेम है कि नहीं है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप लोग का मैं सिलेबस प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो आप उसके जाके वीडियो ज़रूर देखिए, सिलेबस में तो सब कुछ है यार। तो आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं, आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है फिर भी आप लोग को इसमें। और हाँ, इनमें से एक बात ये कि आप लोग इसमें से करिएगा कि आप लोग अगर बहुत से डबल डबल जो क्वेश्चन वगैरह होंगे आप लोग इसमें करिए कि आप जल्द ही आप लोग केवल एक ही बार उसको लिखना, बार बार मत लिखना। तो चलिए मैं आप लोग को PDF अपने वेबसाइट में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। साथ में आप लोग को जल्द ही मैं सिंपल पेपर 2012 से लेकर 2020 तक के अंदर का मैं सिंपल पेपर दूंगा, जिससे आप लोग क्या करिए जो एग्ज़ाम के जो बच्चे हुए थे उनका पेपर दूंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। साथ में उससे भी ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप छांट सकते हैं। तो ये रही ना अच्छी बात है, तो आप लोग घबराइए मत, बहुत सिंपल ही है, होता है BSc सेकेंड ईयर। लेकिन आप लोग ये करना कि आपको अच्छी तरीके से मेहनत करना है तभी आप लोग पास हो सकते हैं ईमानदारी से, वरना यूनिवर्सिटी है इसमें फेल भी हो जाते हैं। तो ये मैं सोच रहा कि हम लोग कंप्यूटर कॉलेज में आ गए हैं, तो चलिए उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ अपने वीडियो की तरफ। तो आप लोग क्या करिए कि मेरा जो PDF आपका वेबसाइट में मिल जाएगा, साथ में मैं अपना वेबसाइट का APK लॉन्च करने वाला हूँ, तो आप लोग क्या करिए उसको डाउनलोड कर लेना, जिससे आप लोग का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आते ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा। जो बच्चे मेरे न्यू चैनल को देख रहे होंगे तो हाँ, आप भी जो भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट में कर सकते हैं। साथ में जिसका भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए फिर सिलेबस वगैरह तो सब मैं प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन ये बात है कि मैं BSc कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो हो सकता है कि मैं आप लोगों के लिए कहीं कहीं से अपने दोस्त फ्रेंड से आपको मांग कर दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट में ये सब था नहीं। मेरे सब्जेक्ट में केवल केमिस्ट्री फिजिक्स फंडामेंटल ये सब होते हैं। तो डोंट वरी, आपका भी हेल्प कर दूंगा मैं, क्योंकि आपके लिए चैनल तो बस आपको सपोर्ट करना है यार। चलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ, वीडियो आपको बड़ा नहीं करना है, तो आप लोग एक बार PDF डाउनलोड वहाँ कर लिए तो आपका झंझट ही ख़त्म हो जाएगा, इससे आप पढ़ कर पास भी हो सकते हैं। इसमें यह है कि आप लोग को थोड़ा इसमें दूर दूर के समझना होगा कि इसमें कौन सा सी प्रोग्रामिंग का है और कौन सा फंडामेंटल का है, तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको देखिए पूरा कितने
55 पेज का है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग पीडीएफ लोग डाउनलोड कर लेना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंपल पेपरों के साथ। फंडामेंटल और प्रोग्रामिंग का मैं वो सिंपल पेपर लाने वाला हूँ, तो आप लोग इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ लेना। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।